तो ये कौन से शैम्पू के सारे मॉइस्चर वाले, ये किस क्लाइंट को सजेस्ट करोगे आप अपने? हाँ, जिसका ड्राई हेयर या फिर ड्राई स्कैल्प होगा। टॉपिक तो आप सबको पता चले गया है कि क्या है। हम पढ़ने वाले हैं कि क्लाइंट को हम कौन सा शैम्पू रेकमेंड कर सकते हैं, जो जो फेमस ब्रांड हैं इंडिया में अवेलेबल हैं, जो इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, हम उसी को कवर करेंगे। ऐसे नहीं कि सारे, वैसे तो हैं बहुत तरह के शैम्पू, हज़ारों तरह के शैम्पू हैं, पर उनकी बात करेंगे जो इजीली मिल जाते हैं, ब्रांड में है, प्रोफेशनल शैम्पू हैं। तो हम हेयर ड्रेसर हैं तो हम प्रोफेशनल शैम्पू ही रेकमेंड करेंगे अपने क्लाइंट को। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि शैम्पू इन्वेंट हुआ था इंडिया में, ठीक है, हमारे देश में ही बना था शैम्पू। ऑर्गेनिकली बनते थे शैम्पू पहले, पर हम अब भारत के देशों के शैम्पू में रिलाई कर रहे हैं अब, है ना। तो शैम्पू बनाया सल्फेट से, ठीक है। वैसे सल्फेट वाले शैम्पू भी आते हैं, सल्फेट कंटेंट वाले, और सल्फेट फ्री शैम्पू भी आते हैं। हमारे देश से बाहर मोस्टली सल्फेट फ्री शैम्पू ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। सल्फेट में होता है आपका, जैसे कि जो बहुत तरह के सल्फेट होते हैं, पर अमोनियम लूरेथ सल्फेट, सोडियम लूरेथ सल्फेट, ऐसे बहुत तरह के सल्फेट है। पर जैसे मोस्टली सल्फेट जो शैम्पू में यूज़ होते हैं वो है अमोनियम लूरेथ सल्फेट, जो कि आपको मोस्टली शैम्पू में देखने को मिलेंगे। तो सारे शैम्पू को डिटेल में समझते हैं, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में क्लाइंट को कैसे शैम्पू में रेकमेंड करने हैं। तो क्या करके सारे शैम्पू को देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, ब्रांडेड प्रोफेशनल शैम्पू की बात करेंगे। सबसे पहले ड्राई स्कैल्प एंड हेयर के शैम्पू, ड्राई स्कैल्प एंड ड्राई हेयर के शैम्पू, मैं ये PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जो शैम्पू है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, शोस्कोप में किसी का अगर ड्राई स्कैल्प है और उसका हेयर भी ड्राई हो रहा है उसकी वजह से, तो उसको आप शैम्पू रेकमेंड करोगे शोस्कोप का प्रोफेशनल बोनोक्योर का मॉइस्चर किक शैम्पू। शोस्कोप का मॉइस्चर किक शैम्पू, जो कि ये रहा मॉइस्चर किक शैम्पू, ये वाला। और बाकी जैसे कि स्टिक्स में भी आता है, जब अब जो ड्राई हेयर है, ड्राई स्कैल्प है, ऑब्वियसली हम उसे मॉइस्चर वाले ही शैम्पू रेकमेंड करेंगे, ठीक है। मॉइस्चर या फिर हाइड्रेट वाले शैम्पू, या तो उसमें मॉइस्चर अच्छा हो, हाइड्रेशन अच्छी हो। तो स्टिक्स में भी आता है स्टिक्स प्रोफेशनल रिपेयर मैक्स शैम्पू, शोस्कोप में, स्टिक्स में। और अब लोरियल की बात करें तो लोरियल प्रोफेशनल में पता है हेयर स्पा स्मूथ रिवाइवर शैम्पू, ये लोरियल का है। शोस्कोप, स्ट्रिक्स, लोरियल और बी ब्लेंड, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। बी ब्लेंड भी प्रोफेशनली यूज़ किया जा सकता है। बी ब्लेंड में भी आता है मॉइस्चर शैम्पू, इंटेंस मॉइस्चर के नाम से, इंटेंस मॉइस्चर। ऐसे ही अगर वेला की बात करें, वेला भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, तो वेला में आता है ये न्यूट्री एनरिच के नाम से, ये रहा न्यूट्री एनरिच। इसकी जो बोतल है आपको ये जो देखने को मिलेगी, ये ऑरेंज कलर की, स्लाइटली ऑरेंज कलर की, ठीक। और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में आता है ये ऑप्टी लॉन्ग प्रोफेशनल शैम्पू, मास्क भी इंक्लूड है इसमें, ठीक। इनके साथ इनका मास्क भी रेकमेंड कर सकते हो क्लाइंट को, ठीक है, मास्क या फिर कंडीशनर। तो ये कौन से शैम्पू के सारे मॉइस्चर वाले, ये किस क्लाइंट को सजेस्ट करोगे आप अपने? हाँ, जिसका ड्राई हेयर या फिर ड्राई स्कैल्प होगा। आप तो चेक करोगे क्लाइंट का स्कैल्प ड्राई है कि ऑयली है। इसके बाद हम कौन सा शैम्पू देखेंगे अब, वो शैम्पू जो क्लाइंट के ऑयली स्कैल्प के लिए हैं। अगर किसी क्लाइंट का ऑयली स्कैल्प है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, ऑयल क्यों प्रोड्यूस होता है, सीबेशियस ग्लैंड अगर ओवर एक्टिव है तो क्लाइंट का ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होने के वजह से डैंड्रफ के चांसेस बन जाते हैं। तो ऑयली वाले स्कैल्प पे हम कौन सा शैम्पू रेकमेंड करेंगे? सबसे पहले लोरियल में आता है स्कैल्प एडवांस्ड के नाम से, काफ़ी फेमस है, अभी रिसेंटली इसकी बॉटल चेंज हुई, ये वाला शैम्पू यूज़ करेंगे। अब मैट्रिक्स, जो लोरियल है इसी की कंपनी, जो सिस्टर कंपनी है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स ऑन करती है बायोलाज को। तो बायोलाज में जो शैम्पू आता है वो है आपका स्कैल्प कूलिंग मिंट। इसको यूज़ करोगे आप किसके लिए? ऑयली स्कैल्प के लिए। सेम ऐसे ही शोस्कोप में भी आता है शोस्कोप प्रोफेशनल स्कैल्प जेनेसिस के नाम से, प्योरीफाइंग शैम्पू वही शैम्पू जिसमें सल्फेट की इंटेंसिटी अच्छी खासी होती है। अब देखो, ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैंने आपको पहले भी जो सल्फेट के बारे में समझा रहा था, तो मैंने बताया था कि ऑयल को अगर निकालना हो तो हमें सल्फेट चाहिए होता है। तो ये सारे जो शैम्पू, इनमें सल्फेट की इंटेंसिटी है। शोस्कोप में कौन सा है? स्कैल्प जेनेसिस प्योरीफाइंग शैम्पू।
वाइट कलर की ऐसी बॉटल आपको देखने को मिलेगी इसकी। वेला में आता है स्कैल्प क्लीन के नाम से, सारी बॉटल को देख लेना। वैसे तो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा ही, जो आप किसी क्लाइंट को रेकमेंड करना हो, याद करना हो, सारे शैम्पू आप याद कर लोगे। अच्छे ब्रांड है, प्रोफेशनल ब्रांड है, सारे एक्सपेंसिव भी होते हैं, पर आप एज ए सलून में, एज ए सलून आर्टिस्ट यही शैम्पू रेकमेंड करोगे। फिर हम करते हैं उन शैम्पू की बात जो हम यूज़ करेंगे या फिर क्लाइंट को रेकमेंड करेंगे डैमेज हेयर के लिए, वो क्लाइंट जिनके हेयर काफ़ी डैमेज है, क्या चाहे वो केमिकल प्रोसेस की वजह से डैमेज हो गए या फिर एक्सटर्नल इंटरनल रीज़न से किसी भी वजह से अगर डैमेज हो चुके हैं, तो हमें ये शैम्पू रेकमेंड करना है। कौन से हैं शैम्पू? सबसे पहले लोरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर, सबसे ज़्यादा बिकने वाले शैम्पू में से एक है। मैट्रिक्स में ऑप्टी रिपेयर प्रोफेशनल लिक्विड प्रोटीन शैम्पू, किसका है? मैट्रिक्स का। शॉशकॉफ, ठीक है, शॉशकॉफ में आता है प्रोफेशनल बीसी बोनोक्योर रिपेयर रेस्क्यू शैम्पू, इसका नाम क्या है? रिपेयर रेस्क्यू शैम्पू, ठीक है, से वाइट कलर की बॉटल्स दिखेगी। वेला की बात करें तो वेला में आता है फ्यूज़न के नाम से, काफ़ी फेमस शैम्पू है ये भी, फ्यूज़न एक्सपेंसिव है पर रिजल्ट अच्छे हैं इसके। तो ये कौन शैम्पू सारे? सबकी मैंने इमेज बना रखी साइड में ऐसी, डैमेज के लिए शैम्पू है, अगर किसी क्लाइंट का डैमेज हेयर है तो उनको आपको ये सारे शैम्पू रेकमेंड करने हैं। क्लाइंट पूछेंगे आपसे हर शैम्पू के बारे में कि कौन सा शैम्पू यूज़ करो, तो आपको उनकी कंडीशन देखनी है, जज करना है, फिर उस हिसाब से आपको शैम्पू रेकमेंड करने हैं उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए। अब वो शैम्पू जो क्लाइंट बोलते हैं कि मेरे स्कैल्प में ना डेंसिटी अच्छी नहीं है या फिर मेरे हेयर बहुत कम है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम को इनक्रीज़ करने के लिए वॉल्यूमलाइज शैम्पू कुछ होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। लोरियल में आता है ये डेंसिटी एडवांस के नाम से, कुछ ब्लू कलर की बोतल है, इसकी बोतल चेंज हुई है, पहले डेंसिटी एडवांस की दूसरी बोतल आती थी, अब चेंज हुई है। और बायोलॉजी में भी आता है ये फुल डेंसिटी के नाम से, फुल डेंसिटी के नाम से बायोलॉजी, मैंने बताया बायोलॉजी मैट्रिक्स ही ऑन करती है। शॉशकॉफ प्रोफेशनल में आता है ये वॉल्यूम बूस्टर के नाम से, वॉल्यूम बूस्टर। और वेला में आता है ये वॉल्यूम बूस्ट के नाम से, वॉल्यूम बूस्ट नाम है दोनों का। वेला का सर्च करोगे वेला का मिल जाएगा, शॉशकॉफ का सर्च करोगे शॉशकॉफ का मिल जाएगा। जो रेकमेंड कर सकते हो वो दो ऑप्शन इधर भी हैं, लोरियल का कौन सा? हाँ डेंसिटी, नाम याद रख लो, देखो सारे शैम्पू के नाम याद रख लो, अगर कोई आपसे पूछे तो आपको फटाक से पता होना चाहिए कि ये नाम है। तो एक टास्क ले लेना अपने लिए, सोच लेना कि मेरे को याद करना है कि मैं कभी कभी बच्चों से पूछता हूँ जो इसी क्लास लेते हैं, नए नए आते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि मुझे पांच शैम्पू के नाम बताओ, तो वो बता ही नहीं पाते। कई कई जो बहुत लंबे टाइम से जॉब कर रहे हैं इस फील्ड में, वो पांच शैम्पू नहीं बोल पाते जल्दी जल्दी। तो आप सबको इन सारे शैम्पूज़ के नाम याद होने चाहिए कि आप अच्छे से क्लाइंट को रिकमेंड कर पाओ। आगे बढ़े हम, तो हम यहाँ पर देखेंगे एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अब एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी उसी तरीके से काम करते हैं जैसे अगर ऑयली स्कैल्प है क्लाइंट का, जैसे हमने ऑयली स्कैल्प बताया था वैसे ही डैंड्रफ अगर किसी का है तब भी उसे आप उसी तरीके के शैम्पू रेकमेंड कर सकते हो, जैसे कि लोरियल में स्कैल्प एडवांस्ड ने ऑयली के लिए भी रेकमेंड किया था, और अगर किसी को डैंड्रफ है तब रेकमेंड करेंगे। आपका बायोलॉज में स्कैल्प प्योर एंटी डैंड्रफ शैम्पू टारगेट डैंड्रफ, और बी ब्लेंड में आता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू के नाम से फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी स्कैल्प, किसमें? बी ब्लेंड पे। फिर आपका आता है शॉशकॉफ में स्कैल्प जेनेसिस एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इसमें इसका मेंशन है एंटी डैंड्रफ। वेला में स्कैल्प क्लीन, अगेन वही शैम्पू जो हमने ऑयली स्कैल्प के लिए रेकमेंड किया था, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अगर किसी के बहुत एक्सेस डैंड्रफ हो रखा है, बहुत ज़्यादा ही हाई डैंड्रफ है, लेयर बन गई है स्कैल्प के ऊपर, तो उस कंडीशन में आपको कौन सा शैम्पू रेकमेंड करना है? क्वार्टर एंड सैलिसिलिक एसिड शैम्पू, ठीक है। अब ये यूज़ कैसे करना होता है, जब किसी के डैंड्रफ है तो पहले तो अच्छे से 10 मिनट मसाज करेगा अपने स्कैल्प पे इस शैम्पू से, पहले गीले करे बालों को, शैम्पू अप्लाई किया, 10 मिनट मसाज करनी है, टाइट मसाज, अच्छी मसाज, फिर 10 मिनट रेस्ट देना है। ऐसा नहीं है कि वॉश किया, 10 मिनट मसाज किया और छोड़ के रिंस कर दिया, ऐसा नहीं, तो रिजल्ट नहीं दिखेगा इसका। बट बहुत से लोग जो इसका रिजल्ट नहीं देख पाते तो वही रीज़न है, इसको स्कैल्प में 10 मिनट रखना भी है कि अपना काम करे, ये तो प्रोसेस टाइम देना है इसको,
10 मिनट रखोगे, फिर रिंस करोगे, फिर इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम आफ्टर स्मूदनिंग या फिर केराटिन के बाद आप कौन सा शैम्पू रेकमेंड करोगे क्लाइंट को? मैं सर बहुत लोग पूछते हैं इसी शैम्पू के बारे में, बहुत लोग पूछते हैं कि सर स्मूदनिंग कराई थी, रिबॉन्डिंग कराई थी, हम कौन सा शैम्पू अप्लाई करें अपने हेयर पे, कौन सा शैम्पू खरीदें? तो आपके पास कुछ ऑप्शन होने चाहिए क्लाइंट के लिए, चलने के लिए एक ही शैम्पू आपको पता वही सब क्लाइंट को रेकमेंड कर रहे हो, क्लाइंट के बजट के हिसाब से। और अगर क्लाइंट बजट अच्छा तो अच्छे शैम्पू रेकमेंड करोगे, अगर बजट अच्छा नहीं तो उससे भी सस्ते रेंज में आपको 1000 की रेंज में भी शैम्पू मास्क मिल जाते हैं जो कि केराटिन और स्मूदनिंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, वरना तो 2-2.5 हज़ार के भी आते ही हैं शैम्पू प्रोफेशनल रेंज में। तो सबसे पहले तो लोरियल का एक्सटेंशो, ठीक है, एक्सटेंशो गोल्ड कह सकते हो इसे, एक्सटेंशो वाला, हाँ इसमें दो आते हैं, एक्सटेंशो ब्लू भी आता है, ठीक है, वो सल्फेट फ्री है, ये सल्फेट प्लस पैराबिन फ्री भी है, पैराबिन फ्री। पैराबिन पता है क्या होता है? बताया था मैंने आपको, भूल जाते हो आप सब। एक तरह का प्रिजर्वेटिव है, हाँ एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जो प्रोडक्ट को लॉन्ग लास्ट रखने में हेल्प करता है। वेला में आता है स्मूदनिंग के नाम से स्मूदन शैम्पू, शॉशकॉप में आता है ये स्मूथ परफेक्ट शैम्पू के नाम से, और मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा सेल होता है मैट्रिक्स का, अलावा ऑप्टी केयर के नाम से बहुत, ये देखो ये तो ये और स्ट्रिक्स का कैनवो लाइन ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, सही मतलब ये 1000 के नीचे अंडर में ही आ जाते हैं इसके शैम्पू भी और कंडीशनर भी। बाकी जो ये शैम्पू इनके साथ मास्क आता है, इनका मास्क अवेलेबल है, कंडीशनर नहीं है। तो ये शैम्पू कब रेकमेंड करोगे आप क्लाइंट को? स्मूदनिंग के बाद, जब क्लाइंट ने स्मूदनिंग कराई है या फिर केराटिन कराया है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि स्मूदनिंग के बाद तो कंपनियों ने शैम्पू बना रखे हैं, केराटिन के बाद कौन से यूज़ करने हैं? तो केराटिन के बाद भी यही शैम्पू रेकमेंड कर सकते हो। क्या होता है ये सल्फेट फ्री होते हैं, इसमें सल्फेट की इंटेंसिटी नहीं होती, तो इससे तो बहुत अच्छा लेदर क्रिएट नहीं होता, पर ये हेयर को ड्राई और डैमेज नहीं होने देता, हेयर के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो दो शैम्पू रेकमेंड कर सकते हो कि आप अगर हफ्ते में 3 बार शैम्पू करते हो तो एक बार अपना रेगुलर शैम्पू यूज़ करो और 2 बार ये वाला शैम्पू यूज़ करो, इस तरीके से कर सकते हो आप कि ऑयल मतलब टाइम लेता ना, और भी प्रोड्यूस होने में बिल्ड होने में टाइम लगता है ऑयल को भी, किसी किसी के 2 दिन में बिल्ड होता है, किसी के 3 दिन में बहुत बिल्ड होता है। तो एक शैम्पू रेकमेंड अपना जो रेगुलर यूज़ करते हैं सल्फेट वाला, तो बाकी हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये शैम्पू। और इनका मास्क जो होता है उन्हीं का मेन काम होता है कि वो हेयर को हाइड्रेट रखे, मॉइस्चराइज रखे, तो इनके मास्क रेकमेंड करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं कलर प्रोटेक्शन शैम्पू के बारे में कि जो कलर के बाद आप रेकमेंड करोगे, किसी ने अपने हेयर पे ग्लोबल कलर कराया है, हाईलाइट कराया है, ग्लोबल प्लस हाईलाइट कराया है, किसी भी टेक्निक से कराया हो, बाल जो उम्र कुछ भी कराया हो, तो आपको जो शैम्पू रेकमेंड करने हैं उन्हें वो ये सारे शैम्पू होंगे, ठीक है। लोरियल में आता है विटामिनों के नाम से, कौन सा? विटामिनों, ठीक है। वेला में कलर ब्रिलियंस, शॉशकॉप में आता है कलर फ्रीज के नाम से, पीएच बैलेंस करता है ये 4.5। और अगर आप कोई सस्ते रेंज का देख रहे हो तो स्ट्रिक्स में भी आता है मॉइस्चराइजिंग शैम्पू के नाम से फॉर कलर ट्रीटेड हेयर। बायलाज में आता है ये कलर लास्ट शैम्पू के नाम से, कलर लास्ट शैम्पू, और बस यही सारे शैम्पू। वैसे तो बहुत सारे शैम्पू हैं, अगर हर कैटेगरी में हम देखें तो बहुत तरह के शैम्पू हैं। तभी ये शैम्पू रेकमेंड कर सकते हो क्योंकि कलर के फेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जरूरी नहीं कि हर ट्रीटमेंट के बाद हेयर ड्राई डैमेज हो जाए, पर कलर के फेड होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। शैम्पू अगर मैं बताऊँ ऑनेस्टली तो शैम्पू का रोल इतना बड़ा होता नहीं है आपके हेयर को हेल्दी रखने में, शैम्पू 4-5% काम करता होगा, मेन इंपॉर्टेंट जो काम करता है वो है पानी, ठीक है। अगर पानी अच्छा है, TDS लेवल वाटर का अगर ठीक है तो हेयर हेल्दी रहते हैं। शैम्पू हम अब बनाए हुए इतने तरह के शैम्पू हैं, अब वैसे ये टॉपिक पढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि प्रोफेशनली लोग पूछते हैं कि हम कौन सा शैम्पू रखें, अपने हेयर ड्रेसर से हर कोई पूछता है, हाँ क्लीनिंग एजेंट है शैम्पू, एक तरह की क्लीनिंग एजेंट है, ठीक है। मैंने बताया था सिर्फ सल्फेट का कॉन्टेंट पढ़ा रहा था, मैं बता रहा था आपको कि शैम्पू का काम सिर्फ क्लीनिंग का है। अब ये शैम्पू भी
क्लीनिंग का ही काम करेंगे सारे, पर ये कलर को प्रोटेक्ट रखते हुए, हेयर को ड्राई डैमेज से बचाते हुए, स्मूदनिंग का रिजल्ट जल्दी ख़राब ना हो, इसलिए सारे शैम्पू बनाए गए हैं। ठीक है, अगर किसी का ऑयली स्कैल्प है तो ऑयल रिमूव हो जाए वहाँ से, अच्छे से ऑयल रिमूव हो जाए। किसी का ड्राई स्कैल्प है तो हेयर क्लीन हो पर ज़्यादा ड्राई डैमेज ना करे हेयर को या फिर स्कैल्प को, तो इसलिए सारे शैम्पू बनाए गए हैं। ठीक है, इनका रोल बहुत कम है, पर एज एन हेयर ड्रेसर आप सबको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से शैम्पू रेकमेंड करने अपने क्लाइंट को। तो अगर आपके क्लाइंट का अभी तक आप सबने पढ़ा है तो अभी तक आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑयल अगर किसी की बहुत ज़्यादा स्कैल्प में है तो कौन सा शैम्पू रेकमेंड करोगे? कोई एक शैम्पू, स्कैल्प एडवांस, ठीक है, लोरियल का आता है। किसी का ड्राई डैमेज हेयर है तो कौन सा शैम्पू रेकमेंड करोगे? ड्राई डैमेज के लिए, ठीक है, एब्सोल्यूट रिपेयर आता है लोरियल में, ठीक है, और भी शैम्पू। अगर कलर हेयर है तो कौन सा शैम्पू रेकमेंड करोगे? ठीक है, विटामिन हो गया, ब्रिलियंस हो गया, ठीक है, आपका कलर फ्रीज हो गया, कलर लास्ट हो गया, तो ऐसे काफ़ी शैम्पू हैं जो आप रेकमेंड कर सकते हो क्लाइंट के बजट। क्लाइंट को इंग्लिश देते हो कि ये सारे शैम्पू में सब कोई सा ही परचेस कर लो, क्लाइंट बोलेगा कि हाँ आपको नॉलेज है, आपने सही उसे सजेस्ट किया है कि एक ही ऑप्शन ने बता दिया उन्होंने, तो कहा यही यूज़ करना है। तो हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं, ठीक है, क्लाइंट को सजेस्ट करने के लिए। मिल गए आपको इतने सारे ऑप्शन ना? Yes, कोई क्वेश्चन अभी याद कर लोगे सारे शैम्पू? Yes, याद तो कर रहे हैं। ये याद कर लिए तो फिर क्लाइंट को सजेस्ट कर दोगे अच्छे से, है ना? कोई क्लाइंट भी आएगा आपके पास, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ना ये PDF शेयर कर देता हूँ आपको ग्रुप में।